नीमच में प्रतिवर्ष अनुसार पल्स पोलियो अभियान जिले में 31 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। अभियान के शुभारंभ में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने बच्चों को दो बूंद जिंदगी की दवाई पिलाकर शुभारंभ किया। यह अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। CMHO डॉक्टर महेश मालवीय ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो की दवा पिलाने का अभियान आज से प्रारंभ हो गया है। इस बार पोलियो की दवा पिलाने में कोविड को देखते हुए विशेष सावधानियां रखी जा रही है। पोलियो की दवा पिलाने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड 19 अनुकूल व्यवहार, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ पोलियो की दवा पिला रही है। इस अभियान के दौरान जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सर, ये अभियान आज 31 जनवरी से चालू हुआ है। सर, ये अभियान 3 दिन रहेगा। आज हमको सुबह से देखिए बूथ पे बैठे थे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक हमको बैठक करनी है। 50% तो आज ही हमको टारगेट पूरा करना है। हो भी गया है। और ये जो पोलियो का है डोज जो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक पिलाया जाता है और ये 3 दिन चलता है। पोलियो जो है 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का है, 3 डेज का है। और आज समथिंग हमने 125 लोगों को पल्स पोलियो, बच्चों को पल्स पोलियो पिलाया है। अभी तक सिर्फ यहाँ जिला चिकित्सालय में 125 बच्चों को पिलाया गया है, बाकी अदर्स टीम भी काम कर रही है। यहाँ जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो आज अपने केंद्र पर और कल और परसों के दिन घर घर जाकर भी बच्चों को पल्स पोलियो। तो 20-25 साल से चल रहा है और ये 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम घर घर जाके और जो बच्चे आंगनवाड़ी पे आते हैं उनको दवा पिलाते हैं और 2 दिन घर घर जाके भी पिलाते हैं। हमारे करीब 50-60 बच्चों ने पी ली है आके। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।